फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, जिसमें 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, प्लस नाउन की कुछ वीडियोस भी मैंने आपको बनाई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये नाउन की लास्ट वीडियो है, जिसका नेम है केसेस ऑफ नाउन। इसके बाद मैं प्रोनाउन स्टार्ट करूंगी, तो आइए देखते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के केसेस की। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन। यहां पर मैंने लिखा है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस है, वोकेटिव केस। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने लिखा है डेटिव केस एंड एक्यूसेटिव केस। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में केवल आपको 3 केसेस के बारे में ही बताऊंगी, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव। पजेसिव केस की मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, यानी केसेस को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। पजेसिव केस बहुत ही लंबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको केस समझने हैं तो दोनों ही वीडियो आप मेरी देखिए, और ये स्कूल लेवल पर तो इंपॉर्टेंट है ये, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जब इंग्लिश का सेक्शन आता है ना, तो जो मिस्टेक्स आती हैं वो केसेस में भी आपकी आती हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड पजेसिव केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं पहले नॉमिनेटिव केस की तरफ। सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। अब ये केस क्या लग गया, आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट से बन गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से बन गया ऑब्जेक्टिव केस। इतना आप समझिए, केस कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी ना, तो आप बोलोगे ये तो हम पहले से ही जानते थे, बस इसका नाम दूसरा दे दिया है। तो क्लास का आपको अंडरलाइन दे दी जाती है सेंटेंस में, प्लस पूछा जाता है नाउन के केस का नेम कीजिए, तो आप लिसन केयरफुली, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस की हम बात करते हैं। वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है या किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही होता है सब्जेक्टिव केस, यानी जहां भी आपको सब्जेक्ट दिखे वहां पर अगर अंडरलाइन है, आपने पहचान लिया ये सब्जेक्ट है, तो आप क्या लिख दोगे उसको, दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी बताती हूँ, राम प्लेस फुटबॉल, ठीक है। ये सभी सेंटेंस पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपको टेंसेस की वीडियो भी देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है, अभी तक मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ने। राम प्लेस फुटबॉल, यानी कि इसमें आप बताइए सब्जेक्ट, इतनी सी बात, प्लेस वर्ब, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, और इतनी सी बात, ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा है जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्टिव केस है, तो राम क्या हो गया इधर नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, सिंपल, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। ज्यादातर ये स्टार्टिंग के स्टार्ट हो रहा होता है ना, वहीं से आता है ज्यादातर, मतलब सब स्टार्टिंग में ही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट से हमारा कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ठीक है, इज इधर क्या हो गया वर्ब, हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गर्ल इधर हो गया ये एडजेक्टिव, मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑब्जेक्ट, अभी तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट पहचाना है, बाकी चीजें कुछ भी हो सब्जेक्ट पे फोकस करिए। रिया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो अगर आपको यहाँ पर रिया पर अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए नेम द केस, तो आप क्या लिखोगे, नॉमिनेटिव केस, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा नॉमिनेटिव केस की पहचान क्या होती है, अगर आप क्वेश्चन करके देखोगे तो देखिए उसमें हु आएगा, कैसे लेगा, हु प्लेस फुटबॉल, यही तो आप इसका क्वेश्चन बनाओगे, हु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी हु के साथ हु, जिसका क्वेश्चन बनाने पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी सेंटेंस में, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, तो आप उसको क्वेश्चन बना के देख लीजिए। क्वेश्चन बना के आप जब भी देखोगे ना, तो हु के साथ ही आपको पूछना पड़ेगा, जैसे मुझे नहीं पता या रिया हु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने इसको सब्जेक्ट हु प्लेस फुटबॉल, यानी ये मेरा सब्जेक्टिव केस ही है, या फिर वॉट भी इसमें लग सकता है, कैसे, जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल या द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब मुझे बताना है सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने द बुक को अंडरलाइन कर दिया, ये कौन सा केस है, तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप कैसे पूछेंगे व्हाट इज ऑन द टेबल,
क्वेश्चन करते हैं वो सब सब्जेक्टिव केस को ही रेफर करते हैं, वैसे बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। सबसे पहले अभी आप ये पूछ जाइए डेटिव एक्यूसेटिव, केवल ऑब्जेक्टिव केस पर फोकस कीजिए, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वेरी सिंपल, और ऑब्जेक्ट आप सब पहचान ही लोगे। तो जरा मैं बता देती हूँ, देखो आप इसमें ही देखिए, जॉन क्या है सब्जेक्ट, ब्रो क्या है मेरा वर्ब, और टेबल क्या है ऑब्जेक्ट, यानी टेबल इज एन ऑब्जेक्टिव केस। ऐसी गर्ल्स आर इन द रूम, ठीक है, यहां मैंने रूम को आइडेंटिफाई करने को बोला है, रूम आप लिख दोगे ऑब्जेक्टिव केस। ये बिल्कुल आपको समझ आ गया वो सब्जेक्टिव केस की तरह है, लेकिन लेकिन मैंने यहाँ पर मेन डेटिव और एक्यूजेटिव लिखी है। देखिए डेटिव और एक्यूजेटिव होते ऑब्जेक्टिव ही, यानी ऑब्जेक्टिव केस को डिटेल्स में अगर आपसे वो पूछे कैसे, वो आपको अंडरलाइन कर दे और पूछे ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए आपको ये भी आना चाहिए डेटिव और एक्यूजेटिव। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डेटिव केस की। कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पर जो भी मैंने दोनों सेंटेंस बताए हैं और यहाँ भी जो सेंटेंस बताए उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, आपने सेंटेंस फॉर्म करना भी सीखे हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, वहां पर हम ये डेटिव केस का यूज करते हैं कैसे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ये भूल जाइए। ठीक है, जहां दो ऑब्जेक्टिव केस होंगे, दो ऑब्जेक्ट जहां पर होंगे वहां एक डायरेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट होगा। अब ये क्या होता है, अभी इस सेंटेंस से आपको पूरा केस क्लियर करवा देती हूं। द टीचर गेव स्टूडेंट्स होमवर्क, सबसे पहले ये निकाल दीजिए, ये मुझे समझ आ गया सब्जेक्ट, ये भी मैंने निकाल दिया वर्ब। अब मुझे प्रॉब्लम आ गई, स्टूडेंट्स भी मेरा ऑब्जेक्ट है और होमवर्क भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस जानने के लिए सीखना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए टीचर होमवर्क दे रही है किसको, स्टूडेंट्स को, टीचर क्या दे रही है होमवर्क, यानी टीचर से जो डायरेक्ट कनेक्ट है, टीचर से कौन है डायरेक्ट कनेक्ट, होमवर्क, टीचर होमवर्क दिया है, टीचर ने होमवर्क दिया है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दे रही है ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी टीचर के पास डायरेक्टली क्या था देने के लिए, स्टूडेंट तो नहीं थे ना, होमवर्क था देने के लिए होमवर्क था। ठीक है, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल मैं देखती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे चॉकलेट दी, माय मदर गेव मी अ चॉकलेट। अब मेरी मम्मी के हाथों में क्या है, चॉकलेट, देने के लिए मेरी मम्मी के पास क्या है, चॉकलेट, तो चॉकलेट आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन किसको दी, मुझे दी, मेरा नाम ज्योति है। ठीक है, माय मदर गेव मी अ चॉकलेट, तो मी इधर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, जो हम दे रहे हैं सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो होमवर्क दे रहा है, टीचर या होमवर्क दे रही है, तो टीचर सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, दे रही है। व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड फॉर हूम ही और शी इज डूइंग, फॉर हूम सब्जेक्ट इज डूइंग इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो काम आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो किसके लिए काम कर रहा है, वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई गेव हिम अ फूड या आई गेव वेगर अ फूड, मैंने भिखारी को खाना दिया। ठीक है, तो मैं जो है खाना दे रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम गिविंग द फूड, तो फूड हो गया मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, और किस को दे रही हूं, बेगर को, वो बेगर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डेटिव से कैसे कनेक्ट हो गया, डेटिव से ऐसे कनेक्ट हो गया, जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही होता है आपका डेटिव केस, वही होता है आपका डेटिव केस, ध्यान रखिएगा। आई गेव हिम अ पेन, अब ये लोग आप बताइए, इसमें मैंने आई और हिम यूज किया क्योंकि प्रोनाउन है, केसेस के बाद मैं प्रोनाउन की सीरीज ही स्टार्ट करूंगी, तो आपको ये पता
चल जाएगा कि हम आई कब यूज करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब नाउन की जगह जो यूज होता है वो प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। अब आई क्या कर रहा है, उसने पेन दिया है, आई ने पेन दे दिया, तो जो आई कर रहा है या जो आई कर चुका है, जो आई ने करा है पास्ट में, काम करना मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए करा है, उसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, डेटिव केस, सिंपल। ये हमारा डेटिव केस खत्म। अब एक्यूजेटिव केस, इट इज वेरी सिंपल, मोर सिंपलर देन डेटिव केस। डेटिव केस मतलब आपको फिर भी दो ऑब्जेक्ट देखना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। एक्यूजेटिव केस मतलब होता है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी प्रपोजिशन से पहले हम बोल सकते हैं, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा प्रपोजिशन के, वो हमारा होगा एक्यूजेटिव केस। कैसे, द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए अब आप कहोगे, मैंने आपको ये एग्जांपल सब्जेक्टिव में भी बताया था ना, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो सब्जेक्टिव केस। अगर आपको ये अंडरलाइन पूछता है कि इसमें बुक क्या है या द बुक क्या है, तो आप लिखोगे नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और अगर आपको इसमें पूछता है तो उसमें टेबल क्या है, आप फटाफट लिख दोगे टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, तो इट इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटिव और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट है ना, है ना। लेकिन हम डीप स्टडी कर रहे हैं, वो हमसे पूछ ले टेबल पर अंडरलाइन करके विच ऑब्जेक्टिव केस इज दिस, तो क्या करोगे, ये तो हमें उसे भी पता, उसने ही पूछ लिया कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स के होते हैं, डेटिव या एक्यूजेटिव, तो आप तुरंत देख लोगे ये क्या है, प्रपोजिशन से लिंक है। अगर ये प्रपोजिशन नहीं होगा तो क्या इस सेंटेंस का कोई सेंस रह जाएगा, द बुक इज द टेबल, है कोई सेंस नहीं। तो जो प्रपोजिशन से ऑब्जेक्ट कनेक्ट होता है सेंस देता है, ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रपोजिशन लगता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का सेंस जो बैठ रहा है इस प्रपोजिशन की वजह से ही बैठ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस तो ये है ही, पर ऑब्जेक्टिव में भी कौन सा है, एक्यूजेटिव केस। तो अब आप कंफ्यूजन मत हो ना, एक और मैं बता देती हूँ, दिस इज वन ऑफ माय पॉलिसीज। जैसे आई हैव मैनी पॉलिसीज, ठीक है, मेरे पास बहुत पॉलिसीज है, मैं कुछ काम करती हूँ उसके लिए, कुछ बिजनेस के लिए मेरे पास बहुत पॉलिसीज है, और मैं उसमें से बताना चाहती हूँ इस उन सब में से ये मेरी एक पॉलिसी है, ये मेरी एक पॉलिसी है। तो यहाँ पर पॉलिसीज क्या हो गया, पॉलिसीज आपका हो गया यहाँ पर एक्यूजेटिव केस, क्योंकि ये ऑफ से रेफर कर रहा है, यानी इससे पहले प्रपोजिशन आ रहा है, ठीक है। अब दिस इज वन माय पॉलिसी, ये भी कुछ नहीं रहता, दिस इज वन माय पॉलिसीज तो गलत हो जाता, ऑफ से क्या लिंक बन गया, मेरे पास बहुत पॉलिसीज है उसमें से एक जो मैं यहां पर लिख रही हूं। तो ध्यान रखिएगा एक्यूजेटिव केस क्या होते हैं। नेक्स्ट, वोकेटिव केस, वेन अ नाउन इज यूज टू कॉल द पर्सन। इसका मतलब है जब भी हम नाम से उस पर्सन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, जो है ना नेम मतलब उसका रेफर कर रहा होता है अलग से, तो उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, जैसे रीता कम है, मतलब डायरेक्टली हम उसको सामने से ही बुला रहे हैं, वो रीता यहीं पर है और हम उसको बोल रहे हैं रीता कम है। या फिर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, टीचर जब पनिशमेंट देती है तो कैसे कहती है, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो क्या कर रहे हैं, वोकेटिव केस मतलब सिंपल उसके नेम को सामने से ही हम कॉल कर रहे हैं। वोकेटिव केस बहुत ही सिंपल है, तो वो होता है वोकेटिव केस। ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जैसे स्टैंड अप स्टूडेंट्स, या फिर डू यू वांट पनिशमेंट स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को इधर हम रेफर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे डू यू वांट पनिशमेंट, स्टैंड अप, या फिर सिट डाउन, यू सिट डाउन, मेरा नाम क्या है, ज्योति, ज्योति कम हियर, ज्योति गो देयर, मेरे नाम को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली, मैं सामने ही हूं, मेरे नेम को कॉल करके मुझे बुला रहे हैं, वो होता है आपका वोकेटिव केस। तो अभी आपने थ्री तरह के केस पढ़ लिए हैं। एक केस पजेसिव केस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइड है, और इसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, आपको पूरा समझ आ जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले आपने जो तीन केसेस पढ़े हैं, देखते हैं आपको कितना लर्न हुए हैं। सबसे पहले ये सेवन सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इन सेवन सेंटेंसेस में आपको बताना है ये कौन सा केस है, और जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन से नाउन का केस बता रहे हैं आपको बताने। तो उसके लिए सबसे पहले राइट डाउन दीज सेवन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक,
एंड पॉज माई वीडियो, पॉज माई वीडियो फॉर 5-10 मिनट्स, ठीक है, जितना टाइम आपको चाहिए मेरी वीडियो पॉज करिए, खुद पहले बताइए, फिर अभी जो मैं बताऊंगी उससे आप चेक कीजिए, उसमें से आप देखिए क्या मिस्टेक है, दोबारा मेरी वीडियो पे जाइए कि मैंने क्या आपको पढ़ाया था, ज्योति मैम ने मुझे हमें क्या पढ़ाया था, कैसे ये रॉन्ग है, ठीक है। और अगर इसके बाद आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो राइट अ कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल डेफिनेटली क्लियर इन द डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू आस्क एनी डाउट। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आप खुद नहीं करोगे यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं होगा, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अभी जो आपने पढ़ा कि आपको समझ आया और कितना आया। खुद को चेक कीजिए, खुद को मार्क्स दीजिए, खुद के टीचर खुद ही बनने का मौका है आपके पास। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, इसमें मैंने चेयर पर अंडरलाइन किया है, तो वॉट इज द केस, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट में भी कोई केस आ रहा है, सिंपल ऑब्जेक्टिव केस हम लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कुछ प्रपोजिशन का यूज हो रहा है चेयर से पहले, तो ये कौन सा केस हो गया, एक्यूजेटिव केस, है ना, ये तो आपको क्लियर है। वी सैट इन द 10th row, 10th row में हम बैठे हैं, वी सैट इन द 10th row, तो इससे पहले भी ये प्रपोजिशन आ रहा है 10th row में, वी सैट द 10th row, नहीं, ठीक है, अगर इन नहीं होता, यानी ये जो 10th row है डायरेक्टली इनसे कनेक्ट हो रही है, तो ये आपका हो गया एक्यूजेटिव केस। माय मदर गेव मी अ चॉकलेट, अब देखिए इधर मैंने मी को करा है, तो आप मी तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन इधर ये भी तो ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सबसे पहले मदर ने मुझे चॉकलेट दी, मदर ने चॉकलेट दी तो वो डायरेक्ट क्या दे रही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डेटिव केस, राइट, समझ आ गया ना, ये आपको डेटिव केस। डू यू नो द आंसर टू डैट क्वेश्चन, ठीक है, डू यू नो द आंसर टू डैट क्वेश्चन, क्या तुम्हें आंसर पता है, तो डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट और एक ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें आंसर पता है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम लिखते डेटिव केस, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहां पर कुछ एक्यूजेटिव केस भी नहीं बनना, तो केवल हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस। डेटिव और एक्यूजेटिव केस आप देख लीजिए, वरना वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अगर उसमें सिंपल ऑब्जेक्ट। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, गर्ल्स इसमें क्या है, सब्जेक्ट, तो कौन सा हो गया, नॉमिनेटिव केस, अगर मैं यहां रूम को बोलती तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर इनसे कनेक्ट है प्रपोजिशन से, तो कौन सा हो जाता है, एक्यूजेटिव केस, ठीक है, जिस पर लेकिन अंडरलाइन है वही फोकस करना है। हैव द गेस्ट अराइव, गेट्स गेस्ट, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये भी सिंपल क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। द कंपनी ऑफर्ड रमेश अ बेटर पोजीशन, अब इसमें दो जगह अंडरलाइन है, एक तो आपको बताना है कंपनी, तो ये तो सब्जेक्ट है कंपनी, तो ये क्या हो गया आपका, नॉमिनेटिव केस। ऑफर्ड रमेश अ बेटर पोजीशन, पोजीशन ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट है रमेश, रमेश भी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पोजीशन हमने अंडरलाइन नहीं, मैं पोजीशन का बताना है, तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कंपनी ने ऑफर की पोजीशन, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको, किसके लिए सब्जेक्ट काम कर रहा है, किस पर्सन के लिए, रमेश के लिए, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां भी हो वहां पर आप क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये नॉमिनेटेड, चलिए अब इतनी की बात होगी, तो और कोई केस इसमें, अगर इसमें रमेश पर अंडरलाइन होता तो आप क्या लिखते, ये वाला कौन सा केस हो गया, डेटिव केस, ये देखिए एक ही सेंटेंस में आपको तीनों चीज मिल गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आपका वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगे, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, आपका एक भी सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिससे मैं आगे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं,
स्टूडेंट मैं जरूर ट्राई करती हूँ कि आपको जितना पॉसिबल हो सके एक वीडियो में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आपको लगता रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।